हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मिशन की मैं बात करने जा रहा हूँ उसे ऑपरेशन खोखरी का नाम दिया गया था। ये बात है सन 2000 की, जब भारत की गोरखा राइफल के 200 से 225 सैनिकों को अफ्रीका मूल के RUF रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के कुछ लड़ाकों ने गृह युद्ध के दौरान उनको घेर के रखा हुआ था। उस दौरान इंडिया आर्मी की गोरखा राइफल को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन चलाया गया, जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड, ये 3 दिन का मिशन था जिसमें भारत की सेना के साथ साथ घाना, ब्रिटेन एंड नाइजीरिया देश की सेनाएं भी शामिल थी। सो आइए जानते हैं कि गोरखा किन्हें कहा जाता है। गोरखा नेपाल के कुछ खास इलाके के लोगों को कहा जाता है जो अपनी बहादुरी, तेज और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, उन्हें हम गोरखा कहते हैं। फ्रेंड्स, 1816 का युद्ध जो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तब से अंग्रेजों ने गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था और भारत की आज़ादी के बाद भी गोरखाओं को उनकी दिलेरी और बहादुरी के लिए भारतीय सेना में जगह दी गई। सो आइए जानते हैं यह खुकरी क्या है। खुकरी गोरखाओं का वो हथियार है जिसे वो अपने पास रखते हैं और समय आने पर उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि आप जंगल में गोरखा को उसकी खुकरी के साथ छोड़ दीजिए, वहाँ कैसे भी हालात हो वह गोरखा वहाँ जिंदा रह लेगा। जिस वजह से आज गोरखाओं को भारतीय सेना नेपाल, ब्रिटेन, ब्रुनेई, सिंगापुर और UN पीस कीपिंग फोर्स में शामिल किया गया है। अफ्रीका के सेरेलियन में गृह युद्ध चलने के कारण भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट को अफ्रीका भेजा गया था ताकि सेरेलियन में चलने वाले गृह युद्ध को शांत किया जा सके। मगर दोस्तों, सेरेलियन में गृह युद्ध उग्र होने के कारण वहां के लड़ाकों ने भारतीय सेना के गोरखा राइफल को चारों ओर से घेर लिया। और दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि लड़ाकों और गोरखाओं के बीच में यह संघर्ष लगातार 70 दिनों तक चलता रहा और तब 1999 में UN के द्वारा गोरखा रेजिमेंट को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक पीस कीपिंग आर्मी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करने का निर्णय लिया गया ताकि शांतिपूर्वक गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को वहां से वापस लाया जा सके और UN पीस कीपिंग आर्मी के द्वारा एयर स्ट्राइक करके सुरक्षित गोरखाओं को वहां से बाहर निकाला गया। तो दोस्तों, ये थी UN पीस कीपिंग आर्मी के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी और पीसफुली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दोस्तों, सेरेलियन के गृह युद्ध के ऊपर एक हॉलीवुड में मूवी भी बनी है जिसका नाम है ब्लड डायमंड, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो मुख्य किरदार में है और सेरेलियन को हीरो के लिए भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये मिशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।